दोस्तों YouTube का जो न्यू अपडेट आने वाला था, जो कि सब कुछ इंटरफेस उसका चेंज होने वाला था, वो अपडेट आ चुका है। अभी सभी के फ़ोन में नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ फ़ोन में अपडेट आ चुका है। जैसे कि मेरे एक फ़ोन में अपडेट आ चुका है, और जो फ़ोन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस फ़ोन में अभी भी ये अपडेट नहीं आया है। मतलब कि 1 से 2 दिन के अंदर ये अपडेट सभी फ़ोन में आ जाएगा। क्या क्या अपडेट आया है, क्या क्या चेंज हुआ है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि यूट्यूब के नए नए अपडेट में क्या क्या यूट्यूब ने चेंज किया है, और कैसा सब इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो YouTube ने अपना इंटरफेस ही चेंज कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ आप वीडियो को प्ले करते हो वहाँ का पूरा इंटरफेस जो है कि YouTube ने चेंज कर दिया है। यहाँ तक कि जो सब्सक्राइब बटन YouTube ने चेंज करने के लिए बोला था वो भी चेंज कर चुका है। लेकिन YouTube ने ऐसा बोला था कि सब्सक्राइब बटन को चेंज करके कुछ ऐसा सब्सक्राइब बटन आएगा जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन दोस्तों ये तो एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि जो पहले सब्सक्राइब बटन था जो रेड कलर का दिखता था, वो उस पर जो है कि लोगों की नज़र ज़्यादा पड़ती थी। लेकिन अब जो है कि सब्सक्राइब बटन को ब्लैक कर दिया यूट्यूब ने, जो कि अब तो और भी कम लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी। और हो सकता है कि आने वाले अब टाइम में जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके सब्सक्राइबर भी कम बढ़े, क्योंकि जब तक लोगों की नज़र सब्सक्राइब बटन पे नहीं जाएगी तब तक लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और पहले से अब तो और भी ज़्यादा बेकार हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले क्या था कि YouTube का जो सब्सक्राइब बटन था वो ऑरेंज या पीला था, उसके बाद रेड हुआ था, लेकिन अब जो है कि ब्लैक कर दिया। अगर हो सक मतलब अभी जो चेंज करने के लिए बोला था, अगर शायद अब पीला भी कर दिया होता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेड कर दिया है, तो इससे जो है कि लोगों की नज़र उस पर मतलब अब ब्लैक कर दिया है, तो लोगों की नज़र उस पर और भी ज़्यादा कम जाएगी पहले से, और हो सकता है कि लोग और भी कम जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्राइब करने का प्रोसेस भी थोड़ा सा पहले से मतलब टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन टफ ही आप बोल लो, क्योंकि और भी ज़्यादा वो हो गया। एक बार आप सब्सक्राइब बटन टैप करते हो तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का आइकन आता है, उस पर जब आप टैप करते हो तो फिर जाके आपको यहाँ से सेट करना पड़ता है कि आप ऑल करना चाहते हो या क्या। और पहले क्या होता था कि जस्ट आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ही ये मिल जाता था, और जस्ट सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल आइकन मिल जाता था, उसको प्रेस कर दो तो आपका जो है कि बेल आइकन भी ऑन हो जाता था। लेकिन सब्सक्राइबर और जो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन है वो YouTube ने और भी ज़्यादा पहले से बेकार कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो लाइक और इसके जो कई सारे फीचर्स हैं कट का और कमेंट का, ये सब आप देख सकते हो ऐसा कुछ हो गया है। तो ये था YouTube का चेंज। और भी छोटे छोटे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा YouTube ने किए हैं, जो कि आप अपडेट करके आप देख सकते हो अपने फ़ोन में। 1 या 2 दिन में सभी के फ़ोन में ये अपडेट जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको कैसा लगा ये अपडेट, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप ज़रूर बताना कि कौन सा इसमें से अपडेट आपको बेकार लगा और कौन सा अच्छा लगा। और अगर आप ऐसे भी वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और ऐसे इंडेक्स वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके आप उस पर फॉलो कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे इंडेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।